महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार की जनता बिहार में सरकार बदलना चाहती है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बांडवाल। एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं सरकार नहीं बल्कि मैं नीतीश कुमार को ही बदलने की बात कर रहा हूं। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब भी सरकार बनती है बिहार में, चाहे वो एनडीए की बने या फिर महागठबंधन की बने, दोनों का जो मुख्यमंत्री चेहरा होता है वो है नीतीश कुमार। ऐसे में मुझे सरकार नहीं बल्कि मुझे मुख्यमंत्री को ही बदलना है, मुझे नीतीश कुमार को ही बदलना है। सबसे पहले हम आपको सम्राट चौधरी का ये बयान सुनाते हैं। एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहा हूं, मैं कोई सरकार बदलने की बात नहीं कर रहा। बिहार की जनता बिहार में सरकार बदलना चाहती है और सरकार बदलकर पुलिस के हाथों को खुले छोड़ेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खड़ा करना है। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा। हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार बीते 17 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, जिसको लेकर उन्हें कई लोग कुर्सी कुमार भी कहते हैं। हालांकि जब से ही बिहार में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं, तब से ही इसको लेकर कई तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है। अभी ताजा मामला देखा जाए तो यूपी में अतीक और अशरफ की जो हत्या की गई है, इस मामले को लेकर बिहार में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बयानबाजियों का दौर चल रहा है और ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो बीजेपी को इसको लेकर निशाने पर खड़ा कर रहे हैं और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगवाने की भी मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने आक्रोश जताया। सम्राट चौधरी ने इसको लेकर कहा कि जिस तरह से यूपी में किया गया है वो देखा जाए तो एक अपराधी नहीं, अपराधी की हत्या की है। इसको लेकर न्यायिक जाँच की जा रही है, अब ये जाँच का विषय है। लेकिन इस पर जो बिहार में लोगों को परेशानी हो रही है, ये बिल्कुल एक सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही उन्होंने ये बातें कही कि नीतीश कुमार जो है उनको सत्ता से हटाना है, क्योंकि बिहार की जनता जो है वो ये चाहती है कि बिहार में सरकार बदले और वैसी सरकार आए जो पुलिस को खुले छोड़े, ना कि पुलिस के हाथों में चूड़ियां पहना कर रखे। आपको ये भी याद दिला दें कि सम्राट चौधरी ने अपने सर पर जो पगड़ी बांधी है वो उस वक्त बांधी थी जब बिहार में पिछले साल महागठबंधन की सरकार बनी थी, यानी कि जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन तोड़कर महागठबंधन की सरकार में आए थे और बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे। उस वक्त सम्राट चौधरी ने ये प्रण भी लिया था कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने यह कहकर अपने सर पर भगवा रंग की पगड़ी बांधी थी और उसी वक्त ये ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को सत्ता से हटा कर रहेंगे, जिसको लेकर वो लगातार बातें भी करते हैं, लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर भी हैं। और आज फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सरकार नहीं बल्कि मुझे नीतीश कुमार को ही उखाड़ फेंकना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।